परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन आपके लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए ध्यानपूर्वक सुने। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि से प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर और वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की बाट में पाँव ना धरना और ना बुरे लोगों के मार्गों पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना जाना, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तो उससे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। ईश्वर इस वचन पर आप सबको सुनने के लिए आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।